पश्चिम पटोरिया के अंतर्गत थाना बेला में पंजीकृत मुआवजे संख्या 270 18 धारा 302 IPC दिनांक 9/10/2018 समय 6:37 पर बनाम अज्ञात में मृतक श्री बालेश्वर पांडे के पुत्र सोनू पांडे निवासी धर्मंगतपुर ने जुर्म स्वयं कबूल कर बताया कि मेरे पिता बालेश्वर के मेरे परिवार में अभी संबंध है, जिसकी चर्चा पूरे गाँव में जोरों पर थी। मुझे लोग गाँव में अपने पास खड़ा नहीं होने देते थे। मैंने कई बार अपने बाप को ऐसा करने से मना किया, किंतु इसी बात को लेकर मेरे बाप ने कल मेरे साथ मारपीट कर दी। रात को मैंने अपने बाप के पैर दबाते समय मेरा खून खोल गया। जब मेरा बाप सो गया, मैंने फकूनी 3-4 सिर में मार दी और वो मर गया। मेरी भांजी मुझे देखकर चिल्लाने लगी तो मैंने उसका मुंह दबा दिया और वह मर गई। और यह से राम कुमार राठौर की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। ये रात में लेटे थे जी। इनका गांव में कोई विरोध नहीं था जी। इनका घर में ही कलह था, इनका लड़के से, बहू से और बिटिया के ससुराल पक्ष से जी। गांव में इनका कोई विरोध नहीं था। तो फिर इसके जब कोई विरोध नहीं था तो डबल मर्डर इनका कोई ना कोई रंजिश टाइप जो होगी पुरानी टाइप, इनके लड़के से ही इनकी रंजिश थी। अच्छा, 8-10 साल बाद आया, इनकी लड़के की ससुराल जो बहू नहीं आती उससे रंजिश थी, इनकी लड़की अपने ससुराल नहीं जाती तो उसके ससुराल वालों से रंजित थी। अन्य गांव समाज में किसी से इनकी रंजित नहीं। मौजी के अंदर हमारे कोई रंजित